नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल फार्मेसी स्टडी में स्वागत है। इस चैनल पे हम फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, उनका सिलेबस के बारे में बनाते हैं और हमने अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो डाली हुई हैं अपनी। कम से कम 40 से 50 वीडियो हमारी पड़ी हुई हैं दोस्तों, जो कि फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हमने 4-5 चैप्टर का वीडियो बना दिया है दोस्तों। तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो हम आज बात करेंगे, हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले हमने जो कि ये फार्माकोलॉजी का है टॉपिक, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में दोस्तों बात की थी अपने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज डिटरमाइंड बाय इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ड्रग के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है। द साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन एंड द टाइम कोर्स ऑफ द रिस्पॉन्स डिजायर्ड ड्रग में बी एडमिनिस्टर्ड बाई ओरल। ओरल को इंटरल कहते हैं, पेरेंट्रल को इंजेक्शन वाला जो रूट देते हैं उससे हम पेरेंट्रल उसको बोलते हैं रूट, और बाई टॉपिकल मतलब जो लोकली अप्लाई करते हैं स्किन पे, जैसे ऑइंटमेंट क्रीम वगैरह है, इसलिए हम इसको लगाते हैं ड्रग को। तो कोर्स ऑफ द रिस्पॉन्स डिजायर ड्रग में बी एडमिनिस्टर्ड बाई, जो हमारी ड्रग होती हैं वो किसके किसके थ्रू एडमिनिस्टर्ड की जाती हैं, तो हमारी ओरल रूट के द्वारा हम देते हैं, पेरेंट्रल रूट के द्वारा देते हैं और टॉपिकल रूट के द्वारा देते हैं। तो देख लेते हैं बारी बारी करके, ये इंटरल है, ये पेरेंट्रल है, ये अदर है। तो इसमें ओरल रूट आता है, बक्कल रूट आता है, बक्कल या सबलिंगुअल। इंट्रा मस्कुलर रूट आता है इसमें, इंट्रावेनस रूट, सबक्यूटेनियस रूट, इंट्राथीकल रूट और इंट्राडर्मल रूट। टॉपिकल रूट, इनहेलेशन रूट, रेक्टल एंड वजाइनल। तो ये हो गया दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन। ये ओरल रूट का फ्लो चार्ट हमने दोस्तों बनाया हुआ है इधर, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमारी ड्रग जो होती है वो माउथ में हम लेते हैं ओरल रूट के थ्रू, उसके बाद में वो स्टमक में जाती है, फिर स्टमक में वो टूटती है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसका एक्शन आता है। एडवांटेज क्या है? तो ये कन्वीनियंट होता है, मतलब ओरल रूट जो होता है वो कन्वीनियंट होता है पेशेंट के लिए और डॉक्टर के लिए भी होता है। सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल, इसमें जो पेशेंट होता है वो अपने आप ही दवाई ले सकता है। पेनलेस एंड यूजर फ्रेंडली, मतलब ये पेन इसमें नहीं होता है और इसको कोई भी ले सकता है। छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होता है। वराइटीज आर अवेलेबल, और इसमें बहुत सारी वराइटीज अवेलेबल हैं, लो कॉस्ट है इनकी, जो ये सस्ती भी मिलती हैं। नो इशू ऑफ स्टेरिलाइजेशन, और टैबलेट वगैरह को स्टेरिलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉम्पैक्ट इन साइज, और साइज में बहुत ही ये कॉम्पैक्ट होती हैं। विथड्रॉल इज पॉसिबल, और इनका विथड्रॉल पॉसिबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है? स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, आप टैबलेट देंगे तो वो डिसॉल्व होगी जाके, डिसइंटीग्रेट होगी, तो उसका एक्शन जो होगा वो स्लो आएगा। डिसइंटीग्रेशन इन जीआईटी, और ये जीआईटी में डिसइंटीग्रेट होती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें होता है, जीआईटी इरिटेशन होता है, अनप्लीजेंट टेस्ट होता है टैबलेट का, फूड ड्रग इंटरेक्शन, और ये फूड के साथ इंटरेक्शन भी करती है। सेकंड हमारा है बक्कल या सबलिंगुअल रूट, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द ओरल रूट, ये ओरल रूट से बहुत ही मिलता जुलता है। हाउएवर द टैबलेट इज टू बी डिजॉल्व अंडर द टंग, हम टैबलेट को क्या करते हैं, टैबलेट को हम अपनी जीभ के नीचे रखते हैं, उसको सबलिंगुअल बोलते हैं, और इन द पाउच ऑफ द चीक, और गाल के पाउच में भी रखते हैं, जिसको बक्कल बोलते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन फॉर हार्ट पेशेंट, जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है हार्ट पेशेंट के लिए होती है, इन टैबलेट फॉर्म में होती है, इट मोर लाइकली द मोस्ट फ्रिक्वेंटली एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअल ड्रग।
और ये बहुत ही ज़्यादा सबलिंगुअल ड्रग दी जाती है। एडवांटेजेस क्या है, रैपिडली एब्जॉर्प्शन होता है इसका, बाईपास जीआईटी, फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका एक्शन आता है क्योंकि ये माउथ में तुरंत डिजॉल्व हो जाते हैं, नो जीआईटी इरिटेशन और इसका कोई इरिटेशन नहीं होता है इसका, नो इंटरेक्शन विद फूड के साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, ड्रग स्टेबिलिटी होती है, ड्रग जो होती है वो स्टेबल होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, इनकन्वीनियंस होता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, लॉस ऑफ एफिकेसी ऑफ सॉलोड, लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है इसकी, स्मॉल डोज लिमिट, मतलब इसमें कोई स्मॉल डोज ही दे सकते हैं हम, अगर एक टैबलेट एक ही बार में दे सकते हैं। पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका फ्लो चार्ट है ड्रग, जैसे हमने आईवी आईएम आईसी के द्वारा थी, इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर इंट्राकार्डियक, तो हमने तो वो कहाँ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फिर एक्शन आएगा। ये फ्लो चार्ट है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, वेरी फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, जो इसका एक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, अवॉइड फर्स्ट पास नहीं होता है इसमें, नो डिग्रेडेशन इन जीआईटी में कोई ड्रग होती है वो नहीं जाती है, नो फूड इंटरेक्शन इन जीआईटी, फूड इंटरेक्शन नहीं होता है, प्राइम कंसिडरेशन इन क्लिनिकल कंडीशन, क्लिनिकल कंडीशन में जब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है तो सबसे पहले हम आईवी ही देते हैं, मतलब इंजेक्शन यही रूट देते हैं, प्रेफर करते हैं। पेरेंटल थेरेपी इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रग दैट आर नॉट इफेक्टिव ओरली, जो पेरेंटल थेरेपी होती है दोस्तों उसके लिए हमको यही रूट अपनाना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ओरली अगर हम ड्रग को देंगे तो उसमें उसका जो इफेक्ट होगा वो देर में शो होगा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, द डोजेस फॉर्म मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड बाई ट्रेंड पर्सन, अब इंजेक्शन वही लगा सकता है जो उसमें उसको वो ट्रेंड हो उसमें, तो इसमें ट्रेंड पर्सन की जरूरत पड़ती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिवर्स इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, पेनफुल होता है इंजेक्शन, एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है, शुड बी फुली स्टरलाइज्ड, और ये स्टरलाइज्ड होता है। ट्रांसडर्मल रूट आगे रह गया है हमारा। एडवांटेजेस क्या है, अवॉइड फर्स्ट पास इसमें नहीं होता है, मास्क टेस्ट एंड पेन, इसमें मास्क को टेस्ट कर देते हैं, इजी इन यूज, यूज में इजी होता है, इजी इन विथड्रॉल, कंट्रोल रिलीज, इसमें कंट्रोल रिलीज होता है, जैसे हम ड्रग देंगे और कितने टाइम के लिए उसको कब तक वो रिलीज़ होनी चाहिए, कब रिलीज़ होनी चाहिए इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंफर्टेबल इन एप्लीकेशन, फ्री फ्रॉम ड्रग इंटरवल्स, सिंगल एप्लीकेशन मल्टीपल डे यूज। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनसफिशियंट डोज, स्किन इरिटेशन होगा, डोज एक्यूरेसी होगी इम्प्रॉपर होगी, अधेशु मे नॉट बी कंफर्टेबल, एक्सपेंसिव होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है, एक्सपेंसिव होता है। इनहेलेशन रूट, तो एडवांटेजेस के क्या हैं, फर्स्ट फास्ट ऑनसेट, इनहेलेशन में क्या होता है ऑनसेट रिएक्शन तो फास्ट होता है, अवॉइड फर्स्ट पास इसमें नहीं होता है, डायरेक्ट इफेक्ट करती है वो, एब्जॉर्प्शन इज गैस एफिशिएंट, टारगेटेड ड्रग साइट मिनिमाइज इरिटेशन, नो पेन, पेन नहीं होता है, नो इंटरेक्शन भी कोई नहीं होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, डिफिकल्ट इन यूज, यूज करने में थोड़ा दिक्कत होती है, नो एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं होता है जो डोज होता है, एक्सपेंसिव होता है, ये महंगा होता है, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है। कंसंट्रेशन डिपेंडेंस, कैन बी रिमूव्ड बाई फ्रेश एयर, और इसका जो कंसंट्रेटेड होता है वो रिमूव हो जाता है, डिपेंड करता है उस पर। तो दोस्तों ये हो गया डिसएडवांटेजेस। उसके बाद आता है टॉपिकल रूट, तो टॉपिकल रूट में इट इज़ द सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक बहुत ही सिंपल मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है, एट द साइट वेयर डिजायर्ड एक्शन इज सॉट, और ये जहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे वहाँ पे एक्शन इसका दिखने को मिलेगा हमको। लोकल एप्लीकेशन ऑफ डस्टिंग पाउडर, जैसे है लोशन है, पेस्ट, ऑइंटमेंट एंड प्लास्टर आर एग्जाम्पल ऑफ टॉपिकल एप्लीकेशन, तो ऑइंटमेंट क्रीम वगैरह है ये, लोशन वगैरह, ये सब टॉपिकल रूट के एग्जाम्पल हैं। द साइट वेयर ड्रग आर कॉमनली अप्लाइड आर स्किन, कहाँ कहाँ पे हम इस ड्रग को अप्लाई करते हैं, स्किन पे, आई पे, नोज पे, ईयर पे, थ्रोट, रेक्टम, वजाइना एंड यूरेथ्रा, यहाँ पे इस साइट पे हम इसको अप्लाई करते हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू इंट्रैक्ट स्किन डिपेंड अपॉन लिपिड सोल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, मतलब लिपिड सोल्युबिलिटी ड्रग की जो होती है उस पे वो डिपेंड करती है एब्जॉर्प्शन उसका ड्रग का।
एडवांटेजेस क्या है, गैस्ट्रिक इरिटेशन इज अवॉइडेड, गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होगा इसमें। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग प्रॉपर सॉल्वेंट, एक्शन का ड्यूरेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं सॉल्वेंट का यूज़ करके। ड्रग लाइक इंडोमेथासिन और एमाइनोफाइलिन आर समटाइम्स एडमिनिस्टर्ड बाय द रेक्टल यूज। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।